कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार हाई अलर्ट मोड पर। सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सार्वजनिक आयोजन के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया। बिहार में एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने पार्टी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि एलजेपी की नीतियां स्पष्ट नहीं थी कि वो एनडीए में है या नहीं। एलजेपी विधायक राजकुमार सिंह के जेडीयू में शामिल होने पर एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजकुमार सिंह को बागी विधायक बताते हुए कहा कि उनका आचरण शुरू से पार्टी विरोधी था। बेगूसराय में गुप्त सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नवादा जिले में शराब कारोबारियों की मनमानी से नाराज महिलाएं एसपी से मिलने पहुंची। महिलाओं का कहना है कि वे शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी से काफी परेशान है। एसपी ने महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया। बेगूसराय में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद बीडीओ ने परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। दरअसल मंगलवार को बलिया प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया पंचायत के बोदी टोला गांव में दीवार गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बेतिया यातायात सेवा थाना के एक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र स्थित सरारी गांव में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया। जमुई के झाझा में मैट्रिक परीक्षा में फेल होने के कारण एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में एक मिनी टैंकर में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरायकेला खरसावां जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने वाहनों को रोककर मास्क जांच किया। इस दौरान बीडीओ ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की।